यू आर द क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी, सो जबरदस्त यार, क्या लाइन कही है, खुद को महसूस हो कि आदमी ने कुछ नया किया। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्स अप गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं ऑल योर रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मोटिवेशनल। जी हाँ गाइस, संदीप महेश्वरी की वीडियो है। संदीप महेश्वरी जिसको कौन नहीं जानता यार, संदीप महेश्वरी बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत ही प्यारे अंदाज से आप सबको हम सबको समझाते हैं यार। सीरियसली बताएं तो मैं भी मतलब मोटिवेट होने के लिए इनकी वीडियो देखता हूँ मैं, जबरदस्त यार, एक एक बार डिटेल वाइज समझाते हैं, मतलब ऐसे दिल को टच हो जाती है, बिल्कुल माइंड सेट हो जाता है हमारा उनकी बातें सुन के। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है मीट योर सुपर पावर बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो। सो गाइस, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है यार, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। सो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम सबकी ब्रेन में कहानी है, मेरे बारे में, आपके बारे में, इस दुनिया के बारे में, जो हम जानते हैं उसके बारे में भी, जो हम नहीं जानते उसके बारे में भी। इसको ऐसे समझो कि एक मूवी चल रही है, उस मूवी में आप एक कैरेक्टर जो भी कुछ है उस कैरेक्टर के आसपास में, उस कैरेक्टर ने खुद चूज नहीं किया है, यानी आपने चूज नहीं किया कि आपके माँ बाप कौन हो, आप किस जगह पर पैदा हो, किस स्कूल में आपका एडमिशन होगा, उस स्कूल में कैसे बच्चे मिलेंगे, कैसे टीचर्स मिलेंगे, ये सब आपने चूज किया गया, ये तो सब अपने आप हुआ ना, एक एनवायरनमेंट मिल गया, उस एनवायरनमेंट की वजह से आप वैसे ही बनते चले गए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपके एक सेशन में आज से बहुत साल पहले, जैसे एक माँ है उसके दो बच्चे हैं, मान लो जुड़वा है, एक यहां पर बड़ा हुआ, एक बाहर किसी कंट्री में बड़ा हुआ, क्या दोनों बिल्कुल सेम होंगे या बिल्कुल अलग होंगे 20 साल बाद? तो क्या हमारा जो एनवायरनमेंट है, क्या हमारी जो सोसाइटी है वो हमें बनाती है या हम उसको बनाते हैं? पहले वो हमें बनाती है फिर हम उसको बनाते हैं। तो अब आपकी जो कहानी है वो आपको एक गलतफहमी हो रही है कि ये आपने बनाई है, नहीं, वो बन गई है डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली बैकग्राउंड, योर फ्रेंड सर्कल, योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, उस कहानी में आप कैद हैं। तो अब उस कहानी में से कैसे बाहर निकले अगर आप कैद हो? ये एक ऐसी कैद है, यानी एक ऐसी जेल है जो इमेजिनरी है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि ये जेल इमेजिनरी है, उस दिन उस जेल से बाहर निकलने की चाबी आपके हाथ में है। आप एक सेकंड में उससे बाहर निकल सकते हैं, अपनी कहानी को बदल सकते हैं। अभी आप एक कैरेक्टर हो एक मूवी के अंदर, जो कैरेक्टर हेल्पलेस है, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, जो ब्लेम कर रहा है अपने आसपास में सबको। पर जैसे ही आपको मेरी बात समझ आ जाती है कि कहानी झूठ है जो आपकी ब्रेन में बैठी हुई है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके साथ में पास्ट में जो भी कुछ हुआ वैसा ही आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है, अगर आप अपने इंसान होने की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी को यूज करो, तो वो कैपेबिलिटी क्या है? वो ये है कि आप इस कहानी में, इस मूवी में, जिसको लाइफ बोलते हैं, कोई कैरेक्टर नहीं हो, क्रिएटर हो। You are the creator of this story and you can change this story at your own wish whenever you want to in a flash. बदल दो। ये एक सुपर पावर है एक इंसान के पास, the biggest सुपर पावर that we have got. लिख दो जो भी लिखने का दम है आपके अंदर, दम होना चाहिए लिखने का। फिर हो सकता है पूरी दुनिया के माइंड में आपकी एक अलग कहानी होगी, बट आपके अंदर कुछ अलग है और वो मैटर करता है, वो नहीं जो दुनिया के माइंड में है। दुनिया आपको अलग अलग नजरों से देखती है, वैसे नहीं जैसे आप हो, वैसे जैसे वो खुद है। जैसे अगर आपको कोई ऐसा इंसान देखेगा जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है तो वो आपसे वैसी ही बात करेगा। कोई ऐसा इंसान होगा जो लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है और वो आपसे मिलेगा, आपके साथ में बैठेगा, तो उसका ध्यान सिर्फ इस तरफ होगा कि आप में ऐसा क्या खास है जिसके बेस पर आप कुछ कमाल का कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटीज देखेगा। बट ये भी इतना मैटर नहीं करता कि कौन क्या देख रहा, कौन क्या बोल रहा,
मैटर क्या करता है इस कहानी में? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप खुद अपने आप को क्या बोल रहे हैं। तो पहला स्टेप आता है, अपनी दुनिया बदलनी है, अपनी कहानी को बदल दो, एक्शंस बदलेंगे, हैबिट्स बदलेगी। कोई मैटर नहीं करता ये कहानी कितने टाइम से आपके माइंड में घूम रही है, एक महीने से घूम रही, एक साल से घूम रही, 10 साल से घूम रही, क्या फर्क पड़ता है। बैठो अकेले में 10 मिनट के लिए और अपने आप को बोलो इनफ इज इनफ, आई गेट आउट ऑफ इट। तो अब यहां पर क्या आया, एक्शन, टेक एक्शन, टेक अ डिसीजन। एंड द मोमेंट यू टेक अ डिसीजन आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में भागेगी। एक डिसीजन, यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ, इज इट नॉट अ फैक्ट? क्या हम हर कदम पे अपनी जिंदगी में, चाहे किसी भी फेज में हो, क्या हम सिर्फ एक डिसीजन दूर नहीं होते हैं एक पूरी अलग जिंदगी से? किसी के साथ जुड़ने का डिसीजन, किसी को छोड़ने का डिसीजन, कुछ करने का डिसीजन, कुछ नहीं करने का डिसीजन, और हम डिसीजंस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं, वी आर ऑल अफ्रेड। तो अपनी कहानी में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो आप क्या बन गए, कैरेक्टर बन, एक मूवी के जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। वो कैरेक्टर क्या करेगा, कब उठेगा, कब सोएगा, सब कुछ कोई और डिसाइड करे, ये दुनिया डिसाइड करे। यानी ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पे कहानियां चल रही है, अगर इसको आपने खुद नैरेट नहीं किया, खुद क्रिएट नहीं किया, तो आप एक कैरेक्टर बन करके रह जाओगे, जैसे 99.99% लोग बन करके रहते हैं, ऐसे जीते ऐसे मरते। क्रिएटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है अगर आप एक क्रिएटर हो। यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ वर्ल्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी। बहुत ही जबरदस्त यार, जबरदस्त यार संदीप सर, मतलब क्या ही कहना यार, इन्होंने वो बात समझाई है। मतलब हम से एक करेक्टर है हम एक, ठीक है ना, जैसे वो बात समझा रहे थे कि अगर हम देखें हर किसी की अपनी ही लाइफ सर्किल होता है, सर्किल होता है, हर किसी का अपना एक लाइफ सर्किल होता है। सो एक आम आदमी की तरह आप अगर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको इतना ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा अपने बारे में। जो काम मिला ठीक है किया, खाया पिया, मौज किया, पर इन्होंने एक जबरदस्त बात की है यार कि आप मतलब अगर कुछ नया करो, क्रिएटर बनो कुछ। मतलब हर इंसान में एक अलग ही टैलेंट होता है, छुपा होता है, जो उसे खुद को भी नहीं पता होता। पर जब वो मतलब जैसे कि संदीप सर बता रहे हैं कि आप अकेले में बैठ के, मतलब आप 10-15 मिनट बैठ के सोचें और उसके बाद बस बोल दें इनफ इज इनफ। जी हाँ यार, ये जबरदस्त बात इन्होंने समझाई है, बहुत ही जबरदस्त। यार मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ संदीप सर से, कौन इम्प्रेस नहीं होता। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है और भाई ने संदीप सर, तो मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ और मैं उनका बहुत कायदे फैन हो गया हूँ संदीप सर की। जब हम मैं ऐसे ही हम वीडियो देखते हैं मोबाइल में, तो मतलब यार हाँ, मतलब कुछ फील होता है कि यार वाकई मतलब कुछ अलग करने का भी दिल करता है हमारा। पर अभी सीरियसली बताएं, इस एक रिएक्ट से हटके अगर आपको बात बताएं तो मतलब अभी सर की जो ये वीडियो हम देख रहे थे संदीप सर की, तो यार मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ के संदीप सर, मैं भी उन ऑडियंस के साथ हूँ, जनता के साथ ही बैठा हुआ हूँ, ऐसा फील हो रहा था हर इंसान के अंदर। तो यार ये फीलनेस क्या होती है, ये फीलनेस वो होती है जो मतलब आप यार हाँ वाकई किसी से मोटिवेट हो तो फिर वो ऐसी फीलिंग्स ही आती हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? You are the creator of your story. So जबरदस्त यार, क्या लाइन कही है। खुद को महसूस हो कि आपने कुछ नया किया। जी हाँ। So guys, अगर आप संदीप सर की वीडियोस पसंद करते हैं तो जरूर लाइक भी कीजिएगा और हमें सजेस्ट भी कीजिएगा कि हम उनकी और वीडियोस पे भी रिएक्शन करें। So guys, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको हमारे रिएक्शन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।